अहले सुन्नत वल जमात का ये भी इजमाई अकीदा है कि सैयदना अली और सैयदना मुआविया के दरमियान जो इख्तलाफात थे, चाहे वो जंगी हुई है लेकिन वो जंग सियासी बुनियादों में थी, वो हुकूमत की लालच और कुर्सी की लालच में नहीं थी। हक उसमें अली के साथ था रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन हजरत मुआविया इज्तिहादी गलती पर थे। वो समझ रहे थे कि मैं हक पर हूँ, ये समझने में उनसे क्या हुई है, गलती हुई। अगर उनको यकीन होता ना कि मैं गलत हूँ तो कभी भी ना लड़ते, क्योंकि अगर फिर भी लड़ते तो फासिक फाजिर होते। फिर एक तरफ उनको फासिक मान रहे हैं और कह रहे जालिम थे और यूं थे और वूं थे। जब हम कहते हैं फिर बुखारी मुस्लिम हर हदीस की किताब में उनसे हदीसें क्यों ली गई है, फौरन पेतरा बदलते हैं, वो वाले फासिक नहीं थे। फिर कौन से वाले फासिक थे यार? शराब पीने से बड़ा फिस्क है ये कि खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठाना या दामाद रसूल के खिलाफ तलवार उठाना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो तलवार दामाद के खिलाफ नहीं थी, वो कातिलीन उस्मान का किसास लेने के लिए हुकूमत पे दबाव डालना था और दिफा में थी। पहल तो हजरत मुआविया ने की नहीं है ना, सैयदना अली ने पहल की है ना बैत पर मजबूर करने के लिए। वो दिफा में थी और दिफा में भी इसलिए थी कि हुकूमत पे क्या किया जाए, दबाव डाला जाए। और जिन लोगों को हजरत अली और मुआविया का ये मसला समझ में नहीं आता, आज अगर ये सेम सिचुएशन हो जाए तो भी वही इख्तलाफ होगा जो पहले हुआ।